फिर से मिलाना। क्वेश्चन ये है कि राम ने बीओबी बैंक में 50,000 रुपए से अकाउंट ओपन करवाया। राम ने बीओबी बैंक में 50,000 रुपए से अकाउंट ओपन करवाया, हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि सबसे पहले हमने क्या कर दिया, राम। तो राम हमारा क्या है, बिजनेस ओनर है ना, क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन को लगाते हैं सबसे पहले हम उस पर देखते हैं कि हमारा आखिरकार बिजनेस ओनर कौन है। तो इसमें बिजनेस ओनर कौन है, राम, क्योंकि राम के नाम से हमारी कंपनी बनी थी, तो कौन बिजनेस ओनर कहलाएगा, राम। अब राम ने क्या किया, बीओबी बैंक में अकाउंट ओपन करवाया। किस बैंक में, बीओबी बैंक में, कितने का, 50,000 रुपए का। तो 50,000 रुपए नहीं लिखेंगे हम, आज लिखेंगे सीधे कैश, क्योंकि हम 50,000 रुपए को क्या लिख सकते हैं भाई, ये 50,000 रुपए है, एक हमारे पास कैश ही तो है, कैश है ना। तो जब हमारा ये कैश है, तो राम ने क्या किया, राम ने बैंक ऑफ बड़ौदा में 50,000 रुपए से क्या करवाया, अकाउंट ओपन करवाया, है ना। अब बैंक ऑफ बड़ौदा भाई, अब ये क्या हो गई, एक संस्था हो गई, है ना। तो राम क्या हो गया, हमारा बिजनेस ओनर, क्योंकि हमें पता है ये हमारा बिजनेस ओनर है ना। हमें पता है जब ये बिजनेस ओनर है, तो हमने आप लोगों को बताया था कि बिजनेस ओनर का नाम हर कहीं नहीं लेते, तो इसको हमने जैसे ही हटा दिया, राम को हमने क्या किया, बिजनेस ओनर है तो हटा दिया। जब बिजनेस ओनर को हटा दिया, तो हमारे पास कितने अकाउंट बचे, दो। एक बचा हमारा बैंक का और दूसरा बना हमारा कैश का। तो पहला हम लेंगे कैश और दूसरा लेंगे बैंक का। तो यहाँ पे क्या है भाई, राम ने 50,000 रुपए का अकाउंट ओपन करवाया। अब हमारा क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा कि राम ने 50,000 रुपए होंगे तभी तो वो बैंक जाएगा ना, जब पैसे नहीं होंगे तो बैंक कैसे चला जाएगा। तो राम ने 50,000 रुपए से, कितने से, 50,000 रुपए से, अब वो कहाँ गया, बैंक, बैंक में क्या किया, अकाउंट ओपन करवाया। अब क्वेश्चन सही है ना, पहले था राम ने बैंक ऑफ बड़ौदा में 50,000 रुपए से अकाउंट ओपन करवाया, लेकिन हम लोग इस तरीके से करेंगे कि राम ने 50,000 रुपए से अपना बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करवाया। ये आया सही तरीके से। तो यहाँ पे हमारा ये पहला कौन सा अकाउंट बन गया, कैश का, और दूसरा कौन सा बन गया, बैंक का। राम तो हमारा बिजनेस ओनर है ना, तो उसका तो हम लेंगे ही नहीं। तो हमारा जब राम का बिजनेस ओनर है, तो यहाँ पे हमारे दो अकाउंट निकल के आ गए, कितने अकाउंट निकल के आए, दो। कौन कौन से, एक बैंक का और एक कैश का। तो जो हमारी बैंक है, बैंक का आखिरकार क्या है, संस्था है ना, क्या है, संस्था। क्योंकि हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, जहाँ पे नौकर भी होते हैं, मैनेजर भी होते हैं, ऑपरेटर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं, है ना। तो इसमें सारी चीज, जो कैशियर होता है वो हम लोगों को कैश देता है, आदान प्रदान करता है, बहुत सारे लोग जाते हैं जमा करने के लिए, निकालने के लिए, है ना। तो ये भी क्या है हमारा, कैश। तो कैश नंबर एक का हमने ले लिया यहाँ पर, कैश क्या हो गया, कैश। कैश को हम किस अकाउंट में लिख सकते हैं, रियल अकाउंट। यहाँ पे क्या हो गया, रियल अकाउंट। अब हमारे पास कैश बैंक के पास आ रहा है या जा रहा है, बैंक के पास आ रहा है या जा रहा है, बैंक के पास आ रहा है ना। तो आने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बैंक के पास कैश जा रहा है, है ना, कैश राम के पास से जा रहा है ना। तो यहाँ पे जाने वाले को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट। क्योंकि कैश क्या हो गया, हम तो भाई राम को देखेंगे ना, पहले बैंक को देखेंगे क्या, पहले हम राम का क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो राम के पास से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। अब समझ में आया ना, राम के पास से जब कैश जा रहा है, तो जाने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिट। अब भाई बैंक, दूसरा अकाउंट किसका बना, बीओबी बैंक का। ये हमारा बैंक कौन से अकाउंट में चला जाएगा, पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि ये क्या है, संस्था, तो ये पर्सनल अकाउंट में चला गया। अब बैंक क्या कर रही है, पा रही है या दे रही है, पा रही है, क्योंकि भाई राम ने पैसा दिया है, कितना दिया, 50,000 रुपए। जब पा रही है, तो पाने वाला बना में क्या होता है, डेबिट। यानी कि राम ने 50,000 रुपए से बैंक में, बीओबी बैंक में अकाउंट ओपन करवाया, जिसमें हमारे दो अकाउंट निकल के आए, एक आया हमारा निकल के कैश, और एक आया हमारा बीओबी बैंक,
तो सबसे पहले अकाउंट हमने बनाया कैश का, तो ये हमें पता चल गया कि रियल अकाउंट में गया है, और रियल अकाउंट में जाने वाले को क्या बोलते हैं? क्रेडिट। अब इसके बाद दूसरा अकाउंट निकल के आया हमारा बीयूबी। जब बीयूबी में निकल के आया तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट हुआ। जब पर्सनल अकाउंट हुआ तो ये हमारा क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि ये पा रहा है कैश। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लिख लीजिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। राहुल ने 5,000 रुपए राहुल ने 5,000 रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा से निकाले। राहुल ने 5,000 रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा से निकाले। अब इसमें समझना, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो सभी लोग कि राहुल ने, किसने? राहुल ने। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया? राहुल लिख दिया। राहुल ने 5,000 रुपए, कितने रुपए? 5,000 रुपए कहां से निकाले? बीओबी बैंक से। यानी राहुल ने 5,000 रुपए बैंक बीओबी बैंक से निकाले। अब भाई राहुल ले लो या राम ले लो, बात बराबर है ना, क्योंकि हमने उसी का नाम क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अगर से हम बोलते कि राम ने 5,000 रुपए बीओबी बैंक से निकाले, तो हमें तुरंत पता पड़ जाता है कि अभी तो हमने 50,000 रुपए का अकाउंट ओपन करवाया था, तो हो सकता है कि उसी से ऐसे पैसे निकाल लिए हम, क्योंकि भाई एक ही तो अकाउंट होगा ना। जो हमारा राम है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया? राहुल को हटा दिया। मान लो यहाँ पे राहुल नहीं, यहाँ पे क्या है? राम है। क्या है? राम। अगर सर हमने बोला राम ने 5,000 रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा से निकाल लिए, तो अभी अभी हमने जस्ट क्वेश्चन लगाया कि राम ने 50,000 रुपए से बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करवाया है, है ना। तो जब बैंक ऑफ बड़ौदा में कितने का अकाउंट करवाया, राम के पास कितना पैसा है बैंक ऑफ बड़ौदा में? 50,000 रुपए है। अगर से आप 5,000 रुपए निकालेगा, उसके पास कितना बचेगा? 45,000। कितना बचेगा? 45,000 रुपए जब बचेगा किसके पास? राम के पास। तो यही चीज हमने सिर्फ नाम चेंज कर दिया, यहाँ पे क्या रख दिया? राहुल। तो राहुल के पास कितना पैसा है? 50,000 रुपए। अगर से उसने 5,000 रुपए निकाल लिया, पहली बात तो हम इसको लिख देंगे कैश। लिख दिया, यानी कि राहुल ने 5,000 रुपए कैश निकाला है कहां से? बैंक ऑफ बड़ौदा से। अब भाई जब बैंक ऑफ बड़ौदा से निकाला है, तो राहुल को हमने हटा दिया, ठीक है। जब हमने हटा दिया, तो पहला अकाउंट हमारा किस चीज का बनेगा? कैश का, और दूसरा बनेगा बैंक का, क्योंकि अभी भी बैंक का बना था और एक कैश का बना था। तो इस बार हमारा एक बैंक का बनेगा और एक कैश का। तो जब हमारा कैश का बना है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहले कैश। किसका? कैश का। और हमें पता है ये रियली अकाउंट में जाएगा, हमें पता है कि ये रियली अकाउंट में। अब भाई हमारे पास पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है, क्योंकि अब क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। तो आने वाले को बराबर इसके क्या बोलते हैं हम लोग? डेबिट। अब यहाँ पे बीओबी बैंक है, क्या हो गई? अब बीओबी बैंक है। अब जब बीओबी बैंक है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट में भी जाना है। अब भाई बैंक क्या कर रही है, हम लोगों को दे रही है या ले रही है? दे रही है ना, क्योंकि हम बैंक में बैंक के पास गए और बैंक से बोल दिया बढ़िया चेक भरा हम लोगों ने। जब हम जाते हैं वहां विड्रॉल भरते हैं ना निकालने के लिए पैसा, तो हमने बढ़िया 5,000 रुपए का भरा और बैंक के पास गए, भैया 5,000 रुपए दे दो, हमने 50,000 दिए थे। उन्होंने क्या किया, 5,000 रुपए निकाल के दे दिया। जब हमें दे दिया, तो बैंक वालों ने हमें दिया, है ना। तो बैंक वाले क्या हो जाएंगे? देने वाला क्या होता है? पर हमें क्रेडिट। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया, ठीक है। कर लिख दीजिए, चला देंगे।